हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है डाइंग डिक्लेरेशन। इस वीडियो में हम डाइंग डिक्लेरेशन को समझेंगे, सेक्शन 32 क्लोज 1 को समझेंगे, मैगजीम्स देखेंगे, वो प्रिंसिपल देखेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे, और देखेंगे डाइंग डिक्लेरेशन कैसे रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके साथ जुड़े हुए कई केस लॉ देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि हम फेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं मृत्यु कालिक कथन, यानी कि मरने वाले व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ स्टेटमेंट या कथन। सेक्शन 32 क्लोज 1 को ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बर्ड कर डाइंग डिक्लेरेशन मीन अ स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैड डाइड एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ, यानी कि वो व्यक्ति जो कि मर गया है, मरने से पहले उसने कोई स्टेटमेंट दी जो कि उससे डेथ से रिलेटेड हो या एक्सप्लेन करती हो वो सर्कमस्टांसेस जो भी उसकी डेथ के रिलेटेड हुए हों। ठीक। दूसरी बात ये, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लेट्रम मॉर्टम। ये एक प्रिंसिपल पे बेस है जिसका नाम है लेट्रम मॉर्टम, जिसका मतलब होता है वर्ड सेड बिफोर डेथ, यानी कि मरने से पहले कहे हुए शब्द। इसे लीगल टर्म में ही डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड क्रेडिबल एंड ट्रस्ट वर्दी एविडेंस बेस्ड अपॉन द जनरल बिलीव दैट मोस्ट पीपल हु नो दैट दे आर अबाउट टू डाई डू नॉट लाई। ये एक बहुत ही कंसीडर्ड कर लिया जाता है क्रेडिबल और ट्रस्टवर्थी एविडेंस है, क्योंकि जनरली ये माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि मरने वाला व्यक्ति जो है कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। उसके बाद बात करते हैं एज अ रिजल्ट इट इज एन एक्सेप्शन टू हेयर से रूल विच प्रोहिबिट द यूज ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय समवन अदर देन द पर्सन हु रिपीटेड वाइल टेस्टिफाइंग ड्यूरिंग अ ट्रायल बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट अनट्रस्टवर्थीनेस। हालांकि जो हेयर से रूल है, यानी कि कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं किया जाता, यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन एक तरीके से उसका एक्सेप्शन माना जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, डाइंग डिक्लेरेशन इज यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है बट कैन नॉट बी यूज ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज। एक्यूज के बिहाफ पे जो है यूज नहीं होता। इसके बाद मैगजीम की बात करते हैं। जो वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन है इज बेस्ड ऑन द मैगजीम, थोड़ा ये मैगजीम शायद मुझसे गलत प्रोनाउंस हो, इस मैगजीम का नाम है नेमो मेरिटोरियस प्रेसमेंटर मेंट्री, जिसका मतलब होता है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाई ऑन हिज माउथ। यानी कि जो व्यक्ति है वो कभी भी, जिस व्यक्ति ने भगवान ने बनाया तो कहते हैं कि भाई मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, अलग अलग लिस्ट में अलग अलग चीज़ है, तो जिस भी मेकर ने जिस व्यक्ति को बनाया है वो कभी भी मरने के बाद, कहते हैं ना भगवान के पास जाएंगे, तो कभी भी वो व्यक्ति अपने मुँह में झूठ लेकर उससे मिलना नहीं चाहेगा। इंडिया में ये बात भी कही जाती है कि ट्रुथ सिट अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, यानी कि सच्चाई मरने वाले व्यक्ति के मुंह पर रहती है। और ये भी कहा जाता है कि अ डाइंग मैन सेल्डम लाई, यानी कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो डाइंग डिक्लेरेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसेबल। एडमिसेबल क्यों है? बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसे पर्सन के थ्रू है, उस पर्सन के थ्रू दी गई है, उस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया जो कि मर चुका है और हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकते, कभी भी फाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि मरने के बाद तो कोई वापस नहीं आएगा, इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं कॉज ऑफ डेथ, यानी कि वो कॉज ऑफ डेथ क्यों, उसकी डेथ क्यों हो गई है, या वो सर्कमस्टांसेस जो कि वो बताता है। दूसरी बात, कॉज ऑफ डेथ डिसीज मस्ट बी अ क्वेश्चन, यानी कि कोई भी अगर केस है उसमें कि कोई भी ऐसा प्रश्नवाचक कोई वो ये न रह जाए, जब उसने डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पे उसने कह दिया कि जो मेरी मृत्यु है वो इस वजह से हुई है, तो वो उसने अपना डिक्लेरेशन दे दिया, तो वहाँ पर उसके बाद कोई भी, उसके डाइंग डिक्लेरेशन के बाद कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, वो जो केस है वो वहाँ पे जो कंक्लूसिव नेचर का हो जाएगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ,
यानी कि उसको ये जो है एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्टेंस हो गया कि भाई उसकी जो डेथ है, यहाँ पे आएगा एक्सेप्टेंस, ये उसने मान लिया कि भाई उसको ऐसा लग रहा है कि वो, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मरने वाला है, ठीक है, या उसको ऐसा फील हो रहा है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट में आया। उसके बाद हाउ इज अ डाइंग डिक्लेरेशन टू बी रिकॉर्डेड, कैसे, तो जो स्टेटमेंट है डिसीज वुड इन इट लिटरल और नेचुरल सेंस, ठीक है, मीन्स अ स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ डिजीज एंड वेन एवर इट इज प्रैक्टिसेबल टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट इन दोज वर्ड दे कैन नो दे कैन बी नो वैलिड एक्सक्यूज नॉट डूइंग सो फॉर, कोई ऐसा वैलिड एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा जो भी डाइंग डिक्लेरेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही हो, बस मरने से पहले उसने जो स्टेटमेंट दी हो वो कंप्लीट हो, उसमें कंप्लीटली ये कंक्लूसिव निकल सकता है कि उसकी डेथ के कॉज क्या रहे हों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद केस लॉ देख लेते हैं, केस लॉ यहाँ पे है, पहला केस है उल्काराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि व्हेन अ स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसकी डेथ के बारे में, और एज एन सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन टू हिज डेथ, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो ये बताएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई, या वो सर्कमस्टांसेस बताएगा जिसका रिजल्ट क्या हो सकता था उसकी डेथ। In case in which cause of his death come into a question is admissible in evidence, ठीक है, वही वाली बात है कि अगर जो admissible यहाँ पे होगा evidence, such a statement in law are competentially called dying declaration, ऐसे statement को dying declaration माना जाएगा, admissible court में होगा, ठीक है भाई, या तो किसी व्यक्ति ने ये बता दिया कि वो सर्कमस्टांसेस क्या है, कि वो पहले ही बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट है वो उसकी डेथ हो सकता है, वो वाली चीज, या ये वाली चीज बता दियो कि भाई उसकी डेथ का कारण क्या था, तो वो वहां पे एडमिसिबल कोर्ट में होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्पीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये इंडिया की आज़ादी से पहले का केस है, तो इसमें प्रीवी काउंसिल ने ये कहा, इस केस में पूरा फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ ऑफ द एक्यूज होती है वो एक मतलब मनी जो है 3,000 रुपये, भाई उस टाइम में बहुत होते हैं, 3,000 रुपये 18% इंटरेस्ट से ले लेती है। अब क्या होता है, रिलेटेड ऑन हिज डेप्थ द नंबर ऑफ लेटर हैड साइन बाय हिज वाइफ एक्यूज विच वॉज डिस्कवर फ्रॉम द हाउस ऑफ डिसीज आफ्टर हिज डेथ, यानी कि जो डिसीज है, जो मृतक व्यक्ति है, उसकी डेथ के बाद उसके घर में कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि स्वामी की जो वाइफ है उसके साइन हुए हुए उसके घर में मिलते हैं लेटर, किसके, जिसने उसको कर्जा दिया था, डेप्थ दिया था। लेकिन एक लेटर ऐसा होता है जो कि साइन नहीं होता किसी के भी द्वारा, बट रिसीव्ड होता है बाय द डिसीज, तो जो मृतक है उसने डिसीज किया, यानी कि जो केन है, केन ने 20 मार्च 1937 को रिसीव किया होता है। इट वॉज अ रीजनेबल क्लियरली दैट इट वुड हैड कम फ्रॉम हिज फ्रॉम ऑफ फ्रॉम द वाइफ ऑफ एक्यूज हु इन्वाइट हिम टू कम बहरामपुर। तो उसमें क्या है कि जो स्वामी की वाइफ होती है, पलका नारायण स्वामी, उसकी वाइफ जो होती है, उसने केएन को इनवाइट किया होता है कि आओ भाई बहरामपुर और जो अपना कर्जा है 3,000 रुपये विद इंटरेस्ट आप ले जाओ। तो जब उसने बहरामपुर के लिए इनवाइट किया, तो जो एक्यूज पर्सन होता है अपनी एक्यूज पर्सन होता है उस लेटर को पढ़ता है और जाता है अपने कर्ज को लेने के लिए, बट जो विडो है, यानी कि केएन की जो विडो है, वो अपनी पत्नी को ये बता कर जाता है कि जो है वो स्वामी की वाइफ से पैसे लेने के लिए जा रहा है। तो विडो ऑफ केएन हैड टोल्ड द कोर्ट दैट हिज हस्बैंड हैज टोल्ड हिम दैट स्वामीज वाइफ हैज इनवाइटेड हैड इनवाइटेड हिम टू कम बहरामपुर टू रिसीव हिज पेमेंट, यानी कि केएन ने अपनी वाइफ को जाने से पहले बता दिया था कि वो बहरामपुर जा रहा है, स्वामी की जो वाइफ है उसने उसे इनवाइट किया है, बुलाया है और कहा है कि आप बहरामपुर आकर अपनी सारी पेमेंट ले जाइए। लेकिन 23 मार्च को जो केएन है उसकी बॉडी जो है 7 पीसेस में मिलती है, पूरी जाने वाली ट्रेन के एक डब्बे में। तो यहाँ पर जो विडो की वाइफ है, या उसने पहले ही बता दिया, तो मतलब उसको ये चीज़ थी कि पहले ही आशंका ये चीज़ हो चुकी थी, तो उसके पास एक मोटिव था कि भाई उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके पास एक मोटिव था उसकी डेथ का।
तो यह यहाँ पे पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्पेरियर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको बहुत ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट केस है वजीर चंद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें भी सेम यही केस हुआ। इस केस में भी कोर्ट ने यही बोला पकला नारायण स्वामी का रेफरेंस देते हुए कि मरने से पहले वो क्या वो अपनी वाइफ को बता के गया, तो मरने से पहले जो बता के गया यानी कि मौत होने से पहले ही कहे हुए वचन जो है यानी कि मृत्यु कालिक का दिन मौत से पहले, वही ना कि कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है या वो सरकमस्टेंसेस भी हो सकता है, तो वह कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, तो देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन विच इज आइडेंटिफाई और एडमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ। ऐसे तो कोई डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जो कि आइडेंटिफाई और एडमिसिबल जो है कोर्ट की लॉ की नज़रों में, बट दैट मस्ट फंक्शन एज अ पीस ऑफ एविडेंस विद द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई जो एविडेंस है, पीस ऑफ एविडेंस है, वो प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन हो, वो वाली चीज़ है। अब बात करते हैं कि क्या जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो सकता है, तो वेयर अ डाइंग डिक्लेरेशन वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, इट वॉज हेल्ड दैट इट कुड नॉट बी डिसीज्ड फॉर दैट रीजन अलोन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं होगा तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल नहीं होगा, डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल होगा। डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है कि किसी ने बता दिया, और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है। लाइक एक केस आया था जिसमें यही हुआ था कि क्या था कि एक लेडी होती है, उसके हस्बैंड से उसकी बनती नहीं है, तो वो अपनी बहन को लेटर लिखती है, तो वो मरने से पहले उसका वो जो लेटर लिखना वो एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन में ही आएगा। तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो गया, कंडक्ट से भी हो सकता है कि भाई अपने आचरण से बता दिया, तो कंडक्ट में भी क्या गेस्चर से भी हो सकता है या साइन से भी हो सकता है। अब उसमें एक केस था क्वीन एम्पेरर्स वर्सेज अब्दुल्ला, तो इलाहाबाद कोर्ट में इसने यही कहा कि अगर इंजर्ड पर्सन जो है वो अनेबल टू स्पीक है, वो बोलने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो ही कैन मेक डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइन और गेस्चर। गेस्चर और साइन के थ्रू अगर रिस्पॉन्स करता है उसके क्वेश्चन का, तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा और कोर्ट में एडमिसेबल होगा। ठीक, तो इसमें यही हुआ था क्वीन वर्सेज एम्पेरर्स में अब्दुल्ला में कि जो लड़की होती है, जो क्यूज होती है, उसका जो गला है वो इतनी बुरी तरह कटा होता है कि वो बोल नहीं पाती है, तो उस सिचुएशन में वो अपनी माँ को क्या करती है, गेस्चर के थ्रू अब्दुल्ला, जैसे वो नाम लेती कि अब्दुल्ला ने किया, तो जैसे हाथ पकड़ लेते, तो एक मतलब गेस्चर के थ्रू हो गया, या साइन करके कि भाई पॉइंट आउट कर दिया, फिंगर कर दिया, साइन कर दिया साइन लैंग्वेज में, तो वो भी कोर्ट में एडमिसेबल होगा, ऐसा डिक्लेरेशन माना जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि FIR एज डाइंग डिक्लेरेशन, तो हाँ भाई इसमें एक केस है के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें कोर्ट ने कहा इट वॉज हेल्ड दैट वेयर एन पर्सन लॉट ऑन FIR एंड देन डाइट वॉज हेल्ड ऑन बी रिलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें क्या हुआ, रामचंद्र रेड्डी जो थे वो पुलिस के पास गए, उन्होंने FIR करी और उसके दो दिन बाद उनकी डेथ हो गई, तो वो भी उनकी डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट ना हो, तो FIR एज अ डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है और इसकी एविडेंशियल वैल्यू काफ़ी है डाइंग डिक्लेरेशन की। तो आई होप सो डाइंग डिक्लेरेशन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।